हमीरपुर जिला में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस बुरी तरह नाकाम रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हुई चोरियों के मामले में पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। करीब 6 माह पहले कुछ अंतराल में हुई 7 चोरियों के मामले में पुलिस की छानबीन आज तक पूरी नहीं होने से लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। वहीं कमला गांव में मार्च माह में हुई चोरी में पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। हमीरपुर जिला में चोरों के पकड़ने के लिए पुलिस बुरी तरह नाकाम सिद्ध हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हुई चोरियों के मामले में पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। करीब 6 माह पहले कुछ अंतराल में हुई 7 चोरियों के मामले में पुलिस की छानबीन आज तक पूरी नहीं होने से लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। वहीं कमला गांव में मार्च माह में हुई चोरी में पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। हमीरपुर के कमला गांव के कृष्णचंद के घर पर 13 मार्च को हुई चोरी के मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं लगने से पीड़ित परिवार ने पुलिस के प्रति गहरा रोष प्रकट किया है। कमला गांव में चोरों ने बड़ी चालाकी से कमरे के अंदर रखे हुए लाखों रुपए के सोने के गहनों पर हाथ साफ किया था। हालांकि चोरी के बाद पुलिस ने पूरी छानबीन भी की थी, लेकिन FIR दर्ज करने के बाद आगे कोई कार्रवाई न करने पर चोरों के मामले में अनसुलझे रह गए। कमला गांव के बाशिंदे कृष्णचंद ने बताया कि मार्च माह में घर में चोरी हुई थी, लेकिन आज दिन तक पुलिस चोरों का कोई पता नहीं लगा सकी है। उन्होंने बताया कि FIR लिखे जाने तक की ही पुलिस सीमित रह गई है और कोई चोर नहीं पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि घर के अंदर रखे हुए सारे जेवरों को चोर चुरा ले गए हैं और करीब 30 तोले सोने के गहने भी चोरी हुए हैं। मैं कृष्णचंद शर्मा, विलेज कमला। हमारे घर में 13/3/2019 को रात को चोरी हुई है और नेक्स्ट डे हमने पुलिस को सुबह मॉर्निंग में 7 बजे बुलाया है, तो उसके बाद हमारी FIR वगैरह लिखी गई है। तो FIR के बाद महीना 2 महीने हम पुलिस के पास चक्कर लगाते रहे, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस कहती है कि कार्रवाई कर रहे हैं। सामान हमारे घर के टोटली जेवर चोरी हो गए हैं, मतलब मेरी मिसेज के जेवर हैं, दोनों बहुओं के जेवर हैं, लड़कों के हैं, चैन अंगूठी हैं, जो भी हमारे पास घर में था टोटली लगभग 30 तोले के लगभग मतलब चोरी हो गया है। इसके बाद शिकायत हमने मतलब लेटर डाले हुए हैं अपने हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उनको भी लेटर दिया हुआ है, तो और कोई मतलब कार्रवाई नहीं की है। हमने 1-2 जगह लेटर दिए हैं। और भी कई चोरियां बताई जा रहे हैं आप? और चोरियां हैं हमारे पक्का भरो में 2 चोरियां हैं, हमीरपुर में वार्ड नंबर 3 वार्ड नंबर 5 लगभग सात एक चोरी का FIR हमारे पास है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं कि कम से कम हमारी मतलब उन चोरियों के बारे में कोई सही ठोस कार्रवाई तो हो, पता तो लगे, कम से कम हमें तसल्ली तो हो कि हाँ जी हमने कोई एक्शन किया है। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कि हमारी संतुष्टि हो। घर में मैं भी घर में था, मेरी मिसेज घर में थी, बहू घर में थी। अब चोर कैसे सामान को ले गए? सुबह जब हमने वो पूजा का कमरा बना रखा था, सुबह जब उठते हैं तो आम दिनों की तरह उसमें हम सफाई के लिए कमरा खोलने लगे। कमरा खोलने के लगे देखा तो कमरे का ताला गायब था वहाँ से, तो कमरे के अंदर देखा तो सामने अलमारी खुली हुई थी। बस वहीं से फिर हमने पुलिस को टेलीफोन किया, पुलिस मौके के ऊपर आई, यहाँ तक मतलब कार्रवाई हुई है। पुलिस के साथ में उनके जो आते हैं डॉग वगैरह वो भी आए थे, पर वो भी कोई सही मतलब नतीजे तक नहीं पहुँच सके कि हाँ कि ठीक है उन्होंने सही नतीजे तक पहुँचे हैं। बक्सा कहीं पड़ा था, वो डॉग कहीं जा रहे थे, हमें तो समझ नहीं आती है कि वो कुत्ते कैसे थे, कि लोकल थे या वाकई उनके थे।